का मेरी स्टैंड पे जहाँ इनोवेशन की भर मार है। अब देखो ना दोस्तों में कितना ज़्यादा मिल रहे हैं। इसका राज है कि आज मेरा बर्थडे है और आज हम जाने वाले हैं। चलो चलते हैं फ्रेंड्स, बर्थडे तो मेरा है पर हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ ही, तो हम सबसे पहले उनके घर जा रहे हैं। वहाँ पे होगा थोड़ा पेट पूजा और उसके बाद फिर हम निकलने वाले हैं। पहले ही बहुत लेट हो गया है पर मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसे मैं पानी में जंप करने वाली हूँ, उसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ना कि खाने के लिए। बट फिर भी हमें उनके साथ जाना है तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आ जाओ हमारे घर, हम थोड़ा कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। तो हम जा रहे हैं उनके घर सबसे पहले, तो हम कार में बैठ गए जैसे कि आप देख सकते हो। बस हम पहुंचने वाले हैं उनके घर और उनके दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि हैं बहुत नॉटी, मजा आने वाला है, उनके साथ बहुत ही मस्ती होती है हमेशा। तो चलो पहुंच के मिलते हैं। आप लोग रेडी है ना? चलो है सरप्राइज। Oh my God! दिखाओ। इसने हैप्पी बर्थडे आंटी कैसे लिखा? आंटी की स्पेलिंग क्या है? आजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा कितना प्यारा बनाया है, खोलो खोलो। इसने डिजाइनर बनाया है, देखो। वाओ क्या लिखा है? ये तो वो चलो। हो। इतना सुंदर लिखा है। तो दो ना दो ना। क्या कर दिया, कोल्ड ड्रिंक ही वेस्ट हो गई हमारी। Happy birthday to you, happy birthday to you। बाबू का सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। बाबू इसमें बताओ क्या है। बाबू के साथ खोलो, बाबू पहले कान में बताओ लिखा क्या है। हैप्पी बर्थडे भाभी जी, उसके आगे बेस्ट विशेस। यस यार मैं इसे अभी नहीं खोलना चाहता, खोलना पड़ेगा नहीं यार, गिफ्ट रैप है थोड़ा अच्छा लगे। नहीं तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं वाटर पार्क। नप्पू आर यू एक्साइटेड? देख लो इसकी एक्साइटमेंट, देख लो इसकी एक्साइटमेंट, देख लो पानी में जा रहे, इसको एक्साइटमेंट देख लो, ये बेचैने की कब पानी में जाए। तो हम लोग सब रेडी हैं, बस पानी में जाने के लिए कूदने के लिए रेडी हैं। ये देखो एकदम छांव है, ये थोड़ी सी धूप है यहाँ पर, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा शूट हो रहा है। तो हम बस टिकट लेने वाले हैं क्योंकि अपने फ्रेंड्स के लिए भी हम टिकट ले रहे हैं और उसके बाद फिर हम बस अंदर जाने वाले हैं। आज हम झूलने वाले भी नहीं है पर थोड़ा बहुत झूलेंगे, इन बच्चों को तो झूला देते हैं ना। नहीं पहले हम लोग तो एक बार आ चुके हैं वीक डेज में, हम लोग उस समय आए थे मतलब सैटरडे संडे। तो अभी हमारा आज थर्सडे है तो आज हमारे लिए तो फ्री एंट्री है, हमने इन लोगों के लिए टिकट ले ली है। चलो चलते हैं, फोटोज वगैरह खींची रहती तो उनको पता है। क्या खतरनाक है, इसमें क्यों जाना है छोटे बच्चों को? मैं बिट्टू के लिए बोल रही हूँ, बिट्टू को फर्क पड़ेगा नव्या के साथ। वैसे नव्या डरती नहीं है। तो हम ट्रेन में बैठे हैं, हमने टिकट ले ली है और हम जाने वाले हैं लंदन, है ना? Yes. लंदन जाने वाले ना? Yes. कुछ खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं रखा? ये है तो बैग इसमें है। बैग में तो कपड़े हैं। तो चुप चुप चल ली रेल गाड़ी पम पम पम, चुप चुप चल ली रेल गाड़ी पम पम पम।
तो बस का क्या है? गंदा गंदा था। किसकी बंदी? मैंने इसको पूरा ऐसे पकड़ के रखा। पता है आंटी भी डर रही थी। अरे नहीं कुछ नहीं होता वो। नहीं ना मुझे डर लग रहा है। कुछ मजा आया ना उसको? नहीं उसको डर लग रहा था। क्या हुआ? रुको तो फ्रेंड्स, अब हम जाने वाले हैं पानी के अंदर छलांग लगाने के लिए। अब तक तो हमने झूले वूले झूल लिए, ले लिए, चलते हैं। और यहाँ दिखाती हूँ यार, मस्त वाला ये देख सकते हो मेरे पीछे ना, मस्त वाला यार, इतना अच्छा सा गार्डन सा है और पूरी ग्रीनरी है। मतलब मस्त लोकेशन और वाइब इतनी अच्छी आ रही है ना यहाँ पर, और मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मतलब ऐसे में सही में यार, मैंने पिछली बार वो जो अपना चश्मा पहना था वो गुम कर दिया था। कपड़े वपड़े बदल के आते हैं पानी में जाने के लिए।
जा रहे हैं, बढ़िया वेव पता नहीं चलेगी कि नहीं चले, अभी तो नहीं चल रही है। इधर आ इधर बाबू, ध्यान दो कहां तक आ रहे हैं। चलो अब हम चलते हैं रेन डांस करने। Thank you.
बहुत सारी मस्ती की, इतना ज़्यादा हम पानी में गए, इतने सारे स्लाइड्स करे, मेरा तो हाथ भी थोड़ा सा छिल गया है। पर अब हम जा रहे हैं, बहुत पेट बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपको पता ही है पानी में जितना हम जाते हैं ना उसके बाद जो भूख लगती है ना, तो हमने सोचा सबसे पहले हम खा भी लेते हैं कुछ, और उसके बाद अगर मन करेगा तो फिर छलांग लगाएंगे पानी के अंदर। तो ये है वो जगह जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, इस तरीके से बफे सिस्टम इस साइड में लगा हुआ है पूरा का पूरा। और सबसे अच्छी बात यार, हर जगह कूलर फैन इस तरीके से लगे हुए हैं, तो इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है। बट अभी ये देखो इस ग्रास में ना मेरे पैरों की हालत बुरी हो रही है, जल रही हूँ मैं। तो चलो सबसे पहले चलती हूँ, नहीं तो इस पर चला नहीं जाएगा। हमने वाटर पार्क में बहुत 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 मज़े किए, अब टाइम आ गया है इसको बाय-बाय कहने का। तो बाय-बाय वाटर पार्क, और अब हम बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरी शक्ल की कैसी हालत हो गई, नाक वाक बिल्कुल रेड हो रखी है। अब हमें बस घर जाना है, ऐसा लग रहा है घर जाके बस थोड़ा सा रेस्ट करना है, क्योंकि इतना सारा खाना खाया, मस्ती करी, डांस किया, रेन डांस किया, और पानी में तो हम बस कूद पड़े, और क्या क्या किया ये तो आप देख ही सकते हो व्लॉग में, तो व्लॉग देखना। चलो हमें जो गिफ्ट मिला है वो ओपन कर लेते हैं। भाई बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है हमें, पता नहीं क्या है इसके अंदर। और कल तो यार हम वाटर पार्क के बाद इतना ज़्यादा थक चुके थे, बुरी तरीके से थक चुके थे, और रात में एक और बर्थडे पार्टी भी थी जिसमें हम गए थे, मतलब पूरा दिन हमारा सिर्फ उसी में गुजर गया। अरे कभी कभी ना मुझे ये रैपर खोलने का मन नहीं करता है, मतलब इतने प्यार से रखा होता है ना, तो पेपर ही नजर आ रहा है। एक पेपर, दूसरा पेपर, ये क्या है इसमें, तो कुछ खतरनाक सा गिफ्ट लग रहा है मुझे, भारी पेपर। भारी है भाई, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, सुंदर और शानदार। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू एंड बाय बाय।